हेलो, माय नेम इज़ शर्मिष्ठा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होमोफोन्स और होमोनिम्स के बारे में। होमोफोन्स के बारे में पहले बात करेंगे। होमोफोन्स उन शब्दों को कहते हैं जिनके स्पेलिंग अलग होते हैं, मीनिंग्स भी अलग होते हैं, परंतु उनके प्रोनंसिएशन या उच्चारण एक जैसे होते हैं या लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसे शब्दों से बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही इनके मीनिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल्स, सम होमोफोन्स आर, द मोस्ट कॉमन वन इज देयर। THEIR देयर मीन्स वहाँ। THEIR देयर मीन्स उनका। सिमिलरली ऐसे है वन एंड वन। WON वन मीन्स वो लोग जीत गए या कोई जीत गया। वन विन का पास्ट टेंस वन, और ONE वन मतलब एक, सबको पता है। तो इसी तरह से है मेज और मेज। MAZE मेज का मतलब होता है भूलभुलैया, और MAIZE मेज का मतलब होता है मक्का, जो हम लोग खेतों में उगाते हैं और खाने के लिए प्रयोग होता है वो मक्का, मेज। इसी तरह से वर्ड्स है सोल, SOUL सोल का मतलब होता है आत्मा, और SOLE सोल का मतलब होता है पैर का तलवा या जूते का तलवा, इसको कहते हैं SOLE सोल। तो ये हो गया एक वर्ड जो इनका सिमिलर, एक ही जैसे सुनने में लगेगा, एक ही जैसा बोलेंगे, लेकिन इसका स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। इसी तरह से बहुत कॉमन है रेड। रेड मतलब रीड, READ, रीड का पास्ट टेंस का सेम स्पेलिंग होता है लेकिन उसका उच्चारण होता है रेड, और RED रेड का मतलब लाल होता है, ये आप सब लोगों को पता है। तो इसी तरह के वर्ड्स जो है बहुत ही कन्फ्यूज़ करते हैं हम लोगों को। और दो वर्ड है प्रे और प्रे। PRAY प्रे का मतलब है प्रार्थना करना, PREY प्रे का मतलब है शिकार। तो कई बार शेर हिरण का शिकार कर रहा है, तो यहाँ पे हिरण क्या हो गया, हिरण है प्रे, PREY प्रे मतलब शिकार। तो इस तरह के वर्ड्स हम लोगों को बहुत बार कन्फ्यूज़ करते हैं। हम लोगों को वाक्य देख के समझना पड़ता है कि कौन से का मतलब, कौन से मतलब से यहाँ पे प्रे बोला जा रहा है या प्रे लिखा जा रहा है। तो ये लिखने में तो अलग से पता चलता है, अलग इसका स्पेलिंग है, लेकिन उच्चारण में, बोलने में समझ में नहीं आता है। कई बार इसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और वर्ड है वेट, बहुत ज़्यादा यूज होता है। WAIT वेट का मतलब है इंतज़ार करना, और WEIGHT वेट का मतलब होता है वज़न। तो ये भी दो वर्ड है जो सुनने में एकदम सेम है, और हम लोग कई बार क्योंकि ये सुनने में सेम है तो कोई बोलता है समझ में नहीं आता, लिखने में गलत लिख लेते हैं तो उससे मीनिंग एकदम बदल जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस क्या है और कौन सा वर्ड का क्या स्पेलिंग होगा। स्पेलिंग अलग होगा, प्रोनंसिएशन एक जैसा होगा, मीनिंग अलग होगा। वो हो गए होमोफोन्स। कुछ होमोफोन्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है उच्चारण में, और स्पेलिंग अलग होता है और मीनिंग तो एकदम ही अलग होता है। जैसे LIC के लिक और LEA के लीक। तो LIC के लिक का मतलब होता है चाटना, और LEA के लीक का मतलब होता है कहीं से कुछ टपक रहा है। और इस तरह के वर्ड्स हैं टेस्ट और टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा, जानते हो तुम लोग, और टेस्ट का मतलब होता है स्वाद या चखना। इन दोनों को कहते हैं टेस्ट। कोई चीज़ चख के देख रहे हैं तो वो भी टेस्ट होगा, और स्वाद उसका कैसा है तो वो भी टेस्ट होगा। तो इस तरह से इनमें हल्का सा अंतर है, टेस्ट और टेस्ट, लिक और लीक। और इसी तरह का वर्ड है जिसका लगभग एक ही जैसा प्रोनंसिएशन है, वो है पेपर और पेपर। पेपर मतलब कागज़, PAPER पेपर कागज़। PEPER पेपर का मतलब होता है जो गोल मरीच होता है, काली मिर्च जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं पेपर। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हो गया। और होमोनिम्स में क्या होता है, होमोनिम्स में स्पेलिंग सेम होता है, स्पेलिंग सेम होता है लेकिन उसका मीनिंग भी अलग होता है। उच्चारण सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होता है, मीनिंग अलग होता है। वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन क्योंकि जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि ये क्या मीनिंग है, स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन उसको उस सेंटेंस के हिसाब से उसके मीनिंग को समझना पड़ता है। ऐसे दो वर्ड्स हैं लीव। लीव LEAVE सेम स्पेलिंग है, सेम उच्चारण है। एक का मतलब होता है छुट्टी और दूसरा का मतलब होता है छोड़ के जाना। तो ये हो गया लीव। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ के चला गया और बायां तरफ, इसको भी लेफ्ट कहते हैं, सेम स्पेलिंग LEFT लेफ्ट। उसी तरह से वर्ड्स हैं
राइट, RIGHT, राइट। राइट का मतलब दाहिना भी होता है, राइट का मतलब सही भी होता है। और वर्ड है लाइट, LIGHT, लाइट, सेम स्पेलिंग है। लाइट का एक मतलब हल्का भी होता है, दूसरा मतलब रोशनी भी होता है। और भी वर्ड है जैसे रेस्ट, रेस्ट का मतलब बाकी, रेस्ट का मतलब आराम भी होता है। और होता है आयरन, आयरन का मतलब लोहा भी होता है, आयरन का मतलब जो इस्त्री से हम लोग इस्त्री करते हैं वो भी होता है। और है प्रेस, प्रेस का मतलब छापने वाली जगह जहाँ पे छापा जाता है उसको भी कहते हैं, कोई चीज़ को दबाने को भी प्रेस कहते हैं। पेशेंट का मतलब होता है कि धैर्यपूर्ण, पेशेंट का मतलब कोई बीमार व्यक्ति है उसको भी पेशेंट कहते हैं। इसी तरह से वर्ड है फायर का मतलब आग भी होता है, FIRE, फायर। फायर का मतलब किसी को नौकरी से छुड़ा देने को भी फायर कहते हैं। प्ले का मतलब कुछ बजाना भी होता है, प्ले का मतलब खेलना भी होता है। कोई चीज़ एकदम सही हो, जो एकदम स्वस्थ हो, उसको भी हम साउंड कहते हैं। जैसे साउंड हेल्थ का मतलब अच्छी स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य, उसी तरह से हम साउंड का मतलब आवाज़ भी होता है। साउंड कॉमनली आवाज़ के लिए ही यूज़ होता है। उसी तरह से वर्ड है प्लॉट, प्लॉट मतलब ज़मीन के प्लॉट को भी प्लॉट बोलते हैं। और जो हम नाटक देखते हैं, नाटक का भी जो पूरा पृष्ठभूमि होता है उसको प्लॉट कहा जाता है। इसी तरह से वर्ड है प्लांट, प्लांट का मतलब किसी फैक्ट्री में कुछ तैयार होता है उस फैक्ट्री को भी प्लांट कहते हैं, और पौधे को भी प्लांट कहते हैं। तो ये प्लांट जो पौधे के रूप में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन फैक्ट्री को भी प्लांट कहते हैं। सो इट्स नेसेसरी टू नो दीज वर्ड्स बिकॉज वी वॉन्ट टू मिनिमाइज आर कन्फ्यूजन इन इंग्लिश। बहुत बार क्या होता है, इन शब्दों की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। जितना हम लोगों को होमोफोन्स और होमोनिम्स का ज्ञान रहेगा, उतना हमारे अंदर कन्फ्यूजन कम रहेगा। लिखते समय हम सही लिखेंगे, बोलते समय हम सही बोलेंगे, और हम समझ के बोलेंगे कि हम किस मीनिंग से इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। सो वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज मोर एंड मोर, दैट्स वाई वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। हमको कोई होमोफोन्स और होमोनिम्स का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, हमको इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, आत्मसात करना है। इसलिए होमोफोन्स और होमोनिम्स का ज्ञान हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही अबाउट होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, तब तक के लिए जब तक कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ। और लेकिन आपको अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है सो दैट यू बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश। टिल देन, बाय बाय।